अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है व्रत नलिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना उसको समझाएंगे आपको। व्रत नलिका की संरचना है, व्रत नलिका है जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन। व्रत नलिका की संरचना का अपन अध्ययन करेंगे। व्रत नलिका की संरचना यानी नेफ्रॉन है, इसके कई नाम होते हैं। नेफ्रॉन भी कहते हैं इसको, वर्काणु भी कहते हैं। ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहला पॉइंट तो ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है यानी वर्ग का ये निर्माण करती है और इसके अंदर मूत्र बनता है तो ये क्रियात्मक इकाई हो गई। ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ये अपने ध्यान रखना है कि ये वर्ग की कैसी इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। फिर उसके बाद ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेलपिंगी कोष, पहला पार्ट है जिसका नाम है मेलपिंगी कोष। एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं होती हैं। एक वर्ग के अंदर कितनी वर्ग नलिकाएं होती हैं? 10 से 12 लाख होती है। वर्ग की संरचना क्रियात्मक इकाई है। इसके तीन भाग है, मेलपिंगी कोष, गिरवा और स्त्रावी नलिका। ठीक है, इसके तीन भाग है, मेलपिंगी कोष, गिरवा और स्त्रावी नलिका। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा क्या है ये। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मेलपिंगी कोष है, इस नेफ्रॉन का एक डायग्राम बता रहे हैं। ये अभिवाही वर्ग धमनी है, ये अपवाही वर्ग धमनी है, इसके बीच में ये केशिका गुच्छ है। फिर उसके बाद में अपन बना रहे हैं ये वर्ग, ये बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट के बाद ये भाग है गिरवा, फिर ये समीपस्थ कुंडित नलिका है। इस तरह से ये समीपस्थ कुंडित नलिका है। फिर उसके बाद ये हैनले का लूप है। ये क्या है? हैनले का लूप है, ये हैनले का लूप है। फिर ये दूरस्थ कुंडित नलिका है और ये क्या है? संग्रह नलिका है। इस तरह के एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, अलग अलग भाग है, इसको कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ ये पहला भाग है जिसका नाम है केशिका गुच्छ। ये दूसरा भाग है जिसका नाम है बोमेन संपुट, ये प्याले जैसा है बोमेन संपुट। फिर ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये क्या है? ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। फिर उसके बाद ये हैनले का लूप है। क्या है? ये हैनले का लूप है। फिर उसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये संग्रह नलिका है। क्या है? ये संग्रह नलिका है। ये अलग अलग भाग आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला भाग हो गया केशिका गुच्छ, दूसरा भाग हो गया बोमेन संपुट। केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मेलपिंगी कोष। फिर ये बहुत अल्पविकसित भाग जिसका नाम आपको बताना गिरवा है। फिर ये स्त्रावी नलिका, स्त्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको अपन कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। पहला भाग होता है जिसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं हैनले लूप, हैनले का लूप। तीसरा भाग है जिसको अपन कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और चौथा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं संग्रह नलिका। तो इसके चार भाग है। कितने भाग है? चार भाग है। ये आपको डायग्राम समेत याद करना है। अपन एक एक भाग का अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब ये जो अपन देख रहे हैं ये अभिवाही वर्ग धमनी है, ये अपवाही वर्ग धमनी, इसके समानांतर ये 50 से 60 केशिका गुच्छ है, समानांतर केशिकाओं का जाल है जिसको अपन कहते हैं केशी गुच्छ। अब इसके चार तरफ ये रक्त वाहिनियों का जाल होता है जिसको परिनली के केशी के जाल कहते हैं। इसके चार तरफ ये रक्त केशिकाओं का जाल है जिसको अपन परिनली के केशी के जाल के नाम से जानते हैं। ये वसा रेक्टा है, हैनले लूप के चारों तरफ इसको वसा रेक्टा कहते हैं। इस तरह से परिनली के केशी के जाल है। क्या है? ये परिनली के केशी के जाल है। इस तरह से इसके चारों तरफ ये खून की वाहिनियां होती है, वो बहती रहती हैं। जो भी वर्ग नलिका के अंदर पदार्थ है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये परिनली के केशी के जाल है। क्या है? परिनली के केशी के जाल है और ये वसा रेक्टा है, हैनले लूप चारों ओर जो परिनली के केशी के जाल है उसको वसा रेक्टा के नाम से जानते हैं। तो अपन ने वर्ग की संरचना में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं होती हैं। ये वर्ग की संरचना में क्रियात्मक इकाई है।
पहला भाग है मेलपिंगी कोश, दूसरा भाग गिरवा और तीसरा भाग स्त्रावी नलिका। अब ये मेलपिंगी कोश है और ये गिरवा है स्त्रावी नलिका, तो अपन एक एक भाग है उसका अध्ययन करेंगे। मेलपिंगी कोश का अध्ययन करेंगे पहले, फिर गिरवा का अध्ययन करेंगे, फिर स्त्रावी नलिका का अध्ययन करेंगे। तो अपन एक एक भाग है उसको पढ़ते जाएंगे, डायग्राम है उसको आप बना लो। अब अपन मेलपिंगी कोश है उसका अध्ययन करेंगे। मेलपिंगी कोश क्या है, वर्ग नलिका का मेलपिंगी कोश है उसका अपन अध्ययन करेंगे। मेलपिंगी कोश के बारे में, मेलपिंगी कोश के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। मेलपिंगी कोश एक कणिकामय संरचना होती है। मेलपिंगी कोश है ये कणिकामय संरचना है, ये कणिकामय संरचना होती है। ये कॉर्टेक्स भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ये कणिकामय संरचना होती है, कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाई जाती है, ये कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाई जाती है। फिर आप बताओगे ये मेलपिंगी कोश है वो कणिकामय संरचना के दो भाग है। पहला भाग जिसको कहते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और दूसरा भाग होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। अब केशिका गुच्छ आपको बताते हैं ये अभिवाही वर्ग धमनी है जो रक्त को लेके आती है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आती है जिसका व्यास थोड़ा ज्यादा है। ये अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है, ये अभिवाही वर्ग धमनी क्या कर रही है, रक्त को लेके आ रही है। और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है, ठीक है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर केशिकाओं का गुच्छ होता है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर केशिकाएं होती हैं। इसके बीच में अभिवाही वर्ग धमनी और अपवाही वर्ग धमनी के बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, उसे कहा जाता है केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हुआ, अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल है, उसको अपन ने कहा केशिका गुच्छ। अब एक प्याले जैसी संरचना है, इस प्याले जैसी संरचना को कहते हैं बोमेन संपुट। ये कीपाकार, ये कीपाकार संरचना होती है। अब इसके दीवार के दो स्तर हैं, बाहरी स्तर होता है वो सल्की उपकला का बना होता है। इस बोमेन संपुट की दीवार के दो स्तर हैं, बाहरी स्तर है जो किसका बना हुआ, सल्की उपकला का। बाहरी स्तर किसका बना हुआ होता है, सल्की उपकला का बना हुआ। इस तरह से ये सल्की उपकला का बाहरी स्तर बना हुआ है, बाहरी स्तर सल्की उपकला का बना होता है और भीतरी स्तर घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, इस तरह से ये घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है। तो इसके दो स्तर आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे, बाहरी स्तर होगा सल्की उपकला का होगा, भीतरी स्तर घनाकार उपकला का बना होगा। इन घनाकार उपकला कोशिकाओं को अपन कहते हैं पोडोसाइट कोशिका। ये क्वेश्चन आता है पोडोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है, पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है बोमेन संपुट में, कहाँ पाई जाती है बोमेन संपुट में। तो ये घनाकार उपकला कोशिका बार वाला स्तर है वो सल्की उपकला का बना हुआ, इस तरह से बार वाला स्तर सल्की उपकला का बना हुआ है। और भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, भीतरी स्तर आपको बताना है घनाकार उपकला का बना हुआ है, इसको अपन कहते हैं पोडोसाइट स्तर। ये पोडोसाइट कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इन पे अंगुली के समान ऐसे उबार होते हैं, इनके ऊपर ये अंगुली के समान उबार होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत। इनके ऊपर अंगुली के समान ऐसे उबार पाए जाते हैं, इन उबार को कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत। ऐसे अंगुली के समान उबार है, ये अंगुली के समान उबार है, इन्हें कहा जाता है ट्रेबेकुले के पर्वत। तो ये जो पोडोसाइट कोशिका है इसके ऊपर अंगुली के समान उबार पाए जाते हैं, अंगुली के समान उबार पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत, ट्रेबेकुले के पर्वत। ये ट्रेबेकुले के पर्वत होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर लिपटे रहते हैं, केशिका गुच्छ पे यूं आके लिपट जाते हैं, ये ऐसे केशिका गुच्छ पे ऊपर लिपट जाते हैं। और ये केशिका गुच्छ को क्या करते हैं, इसके अंदर बनाए रखते हैं, इसको एक फिक्स जगह पे यहाँ क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब क्या होता है, इसमें एक सवाल आता है ग्लोमेरुलस झिल्ली, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है ग्लोमेरुलस झिल्ली क्या है। तो
तो ग्लोमेरुलस झिल्ली किसकी बनी होती है? ग्लोमेरुलस झिल्ली सामान्य झिल्ली की तुलना में 20 गुना अधिक पारगम्य होती है। एक सामान्य झिल्ली की तुलना में 20 गुना अधिक पारगम्य होती है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? महीन छिद्र पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस झिल्ली होती है वो एक सामान्य झिल्ली की तुलना में 20 गुना अधिक पारगम्य है। इसमें महीन छिद्र पाए जाते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? जो ये ग्लोमेरुलस झिल्ली है इसका निर्माण होता है रक्त केशिकाओं और पर्वत के मिलने से। ये जो रक्त केशिका और जो पर्वत होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करते हैं। रक्त केशिका और जो उभरे हुए पर्वत है इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इस ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण होता है। इसके कारण रक्त छनता रहता है। इसके कारण रक्त क्या होगा? छनता रहेगा। तो मेलपिंगी कोश पूरा हो गया है। मेलपिंगी कोश है कणिका में संरचना है। ये कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इसके दो भाग है केशिका गुच्छ और मोमेंस ऑफ गुट। केशिका गुच्छ की विशेषता ये है कि केशिका गुच्छ है वो रक्त केशिकाओं का जाल है। 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाएं पाई जाती है जाल के रूप में। इसको कहते हैं केशिका गुच्छ। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है। अपवाही वर्ग धमनी का रक्त जा रहा है। अभिवाही का व्यास अधिक है। अपवाही का व्यास कम है। उन दोनों के बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल है। उसको कहते हैं केशिका गुच्छ। अब ये प्याले के समान संरचना है उसको कहा जाता बोमेंस अपुट कीपाकार संरचना को। इसकी दीवार के दो स्तर है। बाहरी स्तर सल्की उपला का बना हुआ है और भीतरी स्तर घनाकार उपला का बना हुआ है। तो घनाकार उपला का बना हुआ उस पर किशन सीधा बुटक होता है। घनाकार उपला के बने हुए स्तर को क्या कहते हैं? घनाकार बने हुए उपला के स्तर को कहते हैं पोडोसाइट कोशिकाओं का स्तर। पोडोसाइट कोशिकाओं के ऊपर अंगुली के समान ऐसे उभार पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ट्रेबेकुला के पर्वत। अब आता है ग्लोमेरुलस झिल्ली क्या है? ये 20 गुना अधिक पारगम्य होती है सामान्य झिल्ली की तुलना में। इसमें महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण रक्त छनता रहता है। इससे ये रक्त केशिका और जो उभरे हुए पर्वत है उन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मेलपिंगी कोश के बाद में गिरवा। गिरवा बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, अविकसित पार्ट है। इसके बारे में ज्यादा वर्णन है नहीं। इसमें सिर्फ एक याद रखनी है कि इसमें पक्षमाव उपकला पाई जाती है। वर्ग नलिका का अगला भाग जिसका नाम होता है गिरवा। गिरवा बताओगे अविकसित भाग है। कुछ किताब वाले इसका वर्णन भी नहीं करते हैं, कुछ इसका वर्णन करते हैं। इसमें एक लाइन दे देते हैं ये अविकसित भाग है, बात खत्म हो जाती है। और एक लाइन लिख देते हैं इसमें पक्षमाव उपकला पाई जाती है। ये पक्षमाव उपकला क्या करती है? जो ग्लोमेरुलस निष्यंत बनता है उसकी गति में सहायता करती है। जो ग्लोमेरुलस निष्यंत बनता है उसकी गति में सहायता करती है। अब ये गिरवा पूरा हो गया है। गिरवा के बाद अगला भाग आता है जिसका नाम होता है स्त्रावी नलिका। स्त्रावी नलिका, अब अपन स्त्रावी नलिका पढ़ेंगे। स्त्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको कहते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका। पहला भाग है जिसका नाम है समीपस्थ कुंडली नलिका। दूसरा भाग है जिसका नाम है हेनले का लूप, हेनले का लूप। और तीसरा भाग है जिसको कहते हैं दूरस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका। और चौथा भाग होता है जिसको कहते हैं संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। ये भाग पाए जाते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्रह नलिका। अब एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से अलग अलग भाग देखेंगे। गिरवा में इतना याद करना है यह अविकसित भाग है और इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है जो गति में सहायता करती है। तीसरा भाग है स्त्रावी नलिका। इसमें पहला भाग है समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्रह नलिका। चार भाग है। अब अपन स्त्रावी नलिका है वर्ग नलिका की संरचना में जो भाग है स्त्रावी नलिका उसका अध्ययन करेंगे कि स्त्रावी नलिका क्या है। तो अपन स्त्रावी नलिका के बारे में जैसे ही अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा वर्ग नलिका के तीन भाग है। पहला भाग है मेलपिंगी कोश, मेलपिंगी कोश। दूसरा भाग है जिसका नाम है गिरवा। तीसरा भाग है जिसको अपन कह रहे हैं स्त्रावी नलिका, स्त्रावी नलिका। अब मेलपिंगी कोश के दो भाग पढ़े अपन ने। एक पढ़ा अपन ने केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। और दूसरा पढ़ा अपन ने बोमेंस संपुट, बोमेंस संपुट। डायग्राम देख रहे हैं अपन। ये बोमेंस संपुट है, ये समीपस्थ कुंडली नलिका। गिरवा है वो अल्पविकसित है, इसमें सिर्फ पक्षमा पाए जाते हैं। ये समीपस्थ कुंडली नलिका है, ये समीपस्थ कुंडली नलिका है।
ये हेनले का लूप है, ये दूरस्थ कुंडली नलिका है और ये संग्रह नलिका है। तो अपने को क्या करना, अलग अलग भाग पढ़ने हैं। गिरवा बिल्कुल सिंपल था, अलविकसित भाग, इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है जो क्या करती है, गति में सहायता करती है। विस्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको अपन कह रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। फिर दूसरा भाग जिसको अपन कहते हैं हेनले का लूप, हेनले के लूप की दो भुजा है जो नीचे आ रही है उसको कहते हैं अवरोही भुजा, जो नीचे जा रही है उसको क्या कहते हैं अवरोही भुजा, जो ऊपर आ रही है उसको कह रहे हैं आरोही भुजा। तो इसमें दो भुजा है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, ये क्या है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है। और ये क्या है, ये संग्रह नलिका है। क्या है, संग्रह नलिका है। तो अलग अलग भाग है, क्या है, अलग अलग भाग है। चारों का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका की बात करते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार होती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार किसकी बनी होती है, इस तरह से ये घनाकार उपकला कोशिका की बनी होती है, ये घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी विशेषता यह है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार ये इस तरह से घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी हुई है, ये घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका किसकी बनी हुई है, घनाकार। इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, असंख्य ऐसे सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं इसके ऊपर, असंख्य सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर क्या बनाएंगे, ब्रुश बॉर्डर बनाएंगे, जिसके कारण ये ग्लोमेरुलस निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। घनाकार उपकला के ऊपर क्या होंगे, सूक्ष्म अंकुर। घनाकार उपकला के ऊपर क्या होंगे, सूक्ष्म अंकुर। ये सूक्ष्म अंकुर क्या बनाते हैं, ब्रुश बॉर्डर। क्या बनाते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, निश्चित बनता है, वो अधिक समय तक रुका रहता है। उसकी विशेषता, वो अधिक समय तक रुका रहता है और उसका अधिकतम भाग अवशोषित हो जाता है, यानी निश्चिंद का 65-90% यहां से अवशोषित हो जाता है। इसकी जो घनाकार उपकला उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होते हैं, इसके कारण क्या होता है, सक्रिय अवशोषण यहां से अधिक होता है। ठीक है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में सबसे पहली विशेषता ये कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है। पहली विशेषता आप बताओगे कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है, ये क्या है, बोमेन संपुट और किसके बीच में है, हेनले के लूप के बीच में है। समीपस्थ कुंडलित नलिका है, उसकी विशेषता है कि उसकी दीवार किसकी बनी हुई है, घनाकार उपकला कोशिका की बनी हुई है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार घनाकार उपकला कोशिका की बनी हुई है और इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्म अंकुर होते हैं जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। आपने जो ब्रुश करते हैं वो देखा होगा, उस ब्रुश के अंदर कितने सारे क्या होता है, पानी की बूंद होती है, वो भी फंस जाती है। वैसे ये सूक्ष्म अंकुर ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं जिसके कारण निश्चिंद इसमें फंस जाता है और अधिकांश निश्चिंद का यहाँ से पुनः अवशोषण हो जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका से अधिकांश निश्चिंद का पुनः अवशोषण हो जाता है। अब ये ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं इसके कारण अधिकांश निश्चिंद का यहाँ से अवशोषण हो जाता है, 65-90% निश्चिंद। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं जिसके कारण अधिक से अधिक ये मोटर की तरह काम करता और निश्चिंद को खींचता रहता है। अब सवाल आता है हेनले का लूप, आपको समझाते हैं हेनले का लूप के बारे में। तो अपन ने समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसका अध्ययन कर लिया है, अपन हेनले का लूप है उसको अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह से ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्म अंकुर होते हैं जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। अब नेक्स्ट अपन हेनले लूप पढ़ रहे हैं। तो विस्रावी नलिका का पहला भाग अपन ने पढ़ लिया है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है पहला भाग है उसको अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब दूसरा भाग उसका अध्ययन करेंगे हेनले का लूप, हेनले का लूप। हेनले का लूप यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है, ये यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है, यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है, बालों में जो के स्पिन लगाई जाती है काले कलर की उसके आकार का ये होता है। ठीक है, इसकी दो भुजा होती है, एक भुजा होती है अवरोही भुजा और दूसरी भुजा होती है जिसका नाम होता है आरोही भुजा, जिसके अंदर हेनले का लूप ज्यादा लंबा होगा
वो ज्यादा से ज्यादा जल अवशोषित करेगा और उसमें मूत्र की मात्रा कम बनेगी। अवरोही भुजा और आरोही भुजा, इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी हुई है, इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी हुई है लेकिन इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है। जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है, अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है और आयनों के लिए अपारगम्य होती है। एक चीज याद रखनी है कि ये जल के लिए पारगम्य या आयनों के लिए अपारगम्य, ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये जो आरोही भुजा है ये उल्टी है, ये जल के लिए तो अपारगम्य है लेकिन आयनों के लिए क्या है, पारगम्य। ये चीज अपने को इसमें थोड़ी याद रखनी है। तो हेनले का लूप है वो मेडुला भाग में स्थित है, किसमें स्थित है, हेनले का लूप किसमें स्थित है, मेडुला भाग में स्थित होता है। अब उसके बाद में आता है दूरस्थ कुंडली नली का, पहला भाग हो गया समीपस्थ कुंडली नली का, दूसरा हो गया हेनले लूप। हेनले लूप में दो तीन पॉइंट ही है कि यू आकार का है, केशपिन के आकार का है, मेडुला भाग में पाया जाता है, इसकी दो भुजा है अवरोही भुजा आरोही भुजा। अवरोही भुजा की विशेषता है कि वो जल के लिए क्या है, पारगम्य, आयनों के लिए अपारगम्य है। आरोही भुजा की विशेषता उल्टी है, जल के लिए अपारगम्य है, आयनों के लिए पारगम्य होती है। इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी होती है, इसकी दीवार किसकी बनी हुई है, सल्की उपकला की बनी हुई है, इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी होती है और इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। ये चीज ध्यान रखनी, कुछ किताबों में लिख रखा है बहुत कम सूक्ष्मांकुर होते हैं, कुछ किताबों में लिख रखा है सूक्ष्मांकुर होते नहीं है, तो इसमें सूक्ष्मांकुर बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से अपने ये स्त्रावी नलिका है उसका अध्ययन किया है, अब दूरस्थ कुंडली नलिका उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले लूप है, सबसे पहले था मेलपिंगी कोश। मेलपिंगी कोश में क्या था, मेलपिंगी कोश में इस तरह की ये संरचना थी, बोमेन संपुट और ये केशी का गुच्छ, बोमेन संपुट और ये क्या था, केशी का गुच्छ। फिर ये क्या है, ये समीपस्थ कुंडली नलिका है, ये इस तरह से समीपस्थ कुंडली नलिका है। फिर ये क्या है, ये हेनले लूप है, अब ये दूरस्थ कुंडली नलिका है और फिर आखिर में ये संग्रह नलिका है। अब ऐसे होता बच्चों कि अब आगे दूरस्थ कुंडली नलिका की बारी, किसकी आ गई, ये दूरस्थ कुंडली नलिका है, डीसीटी दूरस्थ कुंडली नलिका। दूरस्थ कुंडली नलिका की ये विशेषता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से आप देखोगे घनाकार उपकला कोशिका होती है, जैसे समीपस्थ कुंडली नलिका में थी वैसे इसमें भी क्या होती है, घनाकार उपकला कोशिका होती है। ये घनाकार उपकला कोशिका पाई जाती है, ये दूरस्थ कुंडली नलिका कॉर्टेक्स में स्थित है, इसमें क्या है, घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है लेकिन इसके अंदर आपको बताना है सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है, यहाँ सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है और यहां से जल और आयनों का अवशोषण होता है। क्या होगा, जल और आयनों का अवशोषण होता है। अब संग्रह नलिका है वो मेडुला भाग में स्थित है, संग्रह नलिका किस भाग में स्थित है, ये मेडुला भाग में स्थित होती है। संग्रह नलिका आपस में मिलती है, ये संग्रह नलिका एक दूसरी संग्रह नलिका से मिलेगी, दूसरी संग्रह नलिका तीसरी संग्रह नलिका से मिलेगी, इस तरह एक मोटी संग्रह नलिका बनेगी, इसका नाम होगा बेलनी की नलिका। अब ये क्वेश्चन बना, बेलनी की नलिका क्या है, बेलनी एक वैज्ञानिक था, उसने, आप बेलन याद कर लो, बेलनी की नलिका। तो संग्रह नलिका आपस में मिलती है, परिभाषा क्या है, संग्रह नलिका आपस में मिलती है, संग्रह नलिका आपस में मिलती है, संग्रह नलिका आपस में मिलती है और एक मोटी नली बनाती है, और एक मोटी नली बनाती है, संग्रह नलिका आपस में मिलती है और एक मोटी नली बनाती है, उसे कहते हैं बेलनी की नलिका, बेलनी, बेलनी की नलिका। ये बेलनी की नलिका किस में खुलती है, मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है जिसका नाम होता है वर्क द्रोणी। ये मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है जिसे वर्क द्रोणी, वर्क श्रोणी या पेलविस कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है जिसका नाम होता है पेलविस। तो इस तरह से यहाँ पे ये मूत्र आएगा वो इस वर्क द्रोणी में आ जाएगा। तो ये वर्क संग्रह नलिका मिली, बेलनी की नलिका बनाई, बेलनी की नलिका किस में खुल गई, मूत्र वाहिनी के वर्क द्रोणी में खुल गई है। तो ये वर्क नलिका की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि ये है। अब आपने ये पढ़ लिया होगा
अब मैं आपको एक सवाल इसमें से जो मैंने पढ़ा है उसमें से पूछूंगा, पोडोसाइट कोशिका कहां स्थित होती है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप उत्तर जरूर देंगे, पोडोसाइट कोशिका कहां स्थित होती है। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, पोडोसाइट कोशिका कहां स्थित होती है। दूसरी, समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका में दो अंतर लिखो। समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका में दो अंतर लिखो, ये दो क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक डिफरेंट लिखें। आपको कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, उस पर मैसेज करें, मैं आपके तुरंत उत्तर दूंगा आपको कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।